हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं ऊषा कंपनी का हीट कन्वेक्टर, जिसको हम एयर वाला रूम हीटर भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही गर्म हवा ये रूम हीटर देता है। तो इस वीडियो में इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। तो सामने ऊषा कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसके अंदर नाइट लाइट इंडिकेटर है, 2 हीट सेटिंग है और थर्मोस्टेट लगा हुआ जो कि ऑटोमेटिक इसको कट कर देगा। इस रूम हीटर के अंदर 2 एलिमेंट लगे हुए हैं, 1000 1000 वाट के। तो आप 1 भी चला सकते हो 2 भी चला सकते हैं। और ये जो रूम हीटर ISI मार्क कहा है, 1 साल की कंपनी के द्वारा इसकी वारंटी दी जाती है। रूम हीटर की जो पैकिंग है आपको एकदम बढ़िया जबरदस्त मिलने वाले, अच्छे से पैकिंग के अंदर पैक है और साथ में थर्माकोल साइड में लगाए हुए हैं। रूम हीटर के बॉक्स के अंदर आपको एक इसकी मैनुअल बुक मिलने वाली, जिसको हम गारंटी कार्ड भी बोल सकते हैं। तो सामने से इसका लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको इस रूम हीटर का देखने को मिलेगा। सामने का जो फ्रंट है, यहाँ से गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है, यानी कि आगे वाला जो हिस्सा इसको आपको कभी भी कवर नहीं करना है। ऊपर की साइड में कूल टच हैंडल आपको मिलने वाला है, 2 स्विच मिलेंगे, 1 यहाँ पर टेम्परेचर सेटिंग वाला। रूम हीटर को जिस टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे, रूम का टेम्परेचर सेम आता ही ऑटोमेटिक रूम हीटर बंद हो जाएगा और रूम का टेम्परेचर कम होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसे अगला स्विच है, 1 फैन का है, उससे आगे 1000 वाट का, उससे आगे 2000 वाट का है। तो ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो आप 2000 वाट के ऊपर चलाएंगे, कम हीटिंग चाहिए तो आप 1000 वाट के ऊपर चलाएंगे। अब दोस्तों नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशल लिखा कि डू नोट का, और इसको आपको कवर नहीं करना है। और नीचे की साइड में आपको इस तरह का एक स्टैंड भी मिलने वाला, ताकि इसका जो मुँह है जहाँ से हवा बाहर निकलेगी वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए। अब मैं आपको साइड से भी इसका लुक दिखा देता हूँ। साइड में आप देखेंगे यहाँ से जो ठंडी हवा है ये रूम हीटर अंदर की तरफ खींचता है, इसको भी आपको कवर नहीं करना है। बैक साइड में देखेंगे तो यहां पर वायर बाहर निकली हुई थी, जिसको हम बिजली के अंदर लगाते हैं, और पावर का 3 पिन टॉप लगा हुआ, यानी कि 16 एम्पीयर का 3 पिन टॉप लगा हुआ है। इससे दूसरी साइड आप देखेंगे तो दूसरी साइड भी आपको ठंडी हवा लेने के लिए यहां पर आपको जगह मिलने वाली, यानी इस साइड से भी ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है। और ऊपर की साइड आपने देख लिया, अब बैक साइड आपको स्टिकर मिलने वाला है। स्टिकर के ऊपर यहाँ पर इसका डायग्राम आपको मिलने वाला है, साथ में यहाँ पर ऊषा कंपनी का नाम लिखा और साथ में कौन सा मॉडल है, इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि मॉडल नंबर है FH812T। रूम हीटर की वायर को हमने बिजली के अंदर लगा दिया है। अब ऊपर यहाँ पर आपको 2 स्विच मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फैन के ऊपर कर देते हैं, अब ये चलेगा नहीं। अब हम टेम्परेचर को भी सेट करते हैं, तो टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे तो इंडिकेटर अब ऑन हो चुका है, अब हमारा जो रूम हीटर है ऑन हो चुका है। रूम हीटर को अब हम 2000 वाट के ऊपर सेट कर लेते हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट इसके ऑन कर देते हैं। अब इंडिकेटर भी ऑन है। रूम हीटर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फैन चलता हुआ भी दिखाई दे रहा हुआ, पर तो इसके अंदर से जो आपको हवा मिलने वाली है एकदम फुल गर्म हवा मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों जिस तरह से ये आग फेंक रहा है इस तरह से आपको इसकी गर्म हवा मिलने वाली है। तो यह यदि आपका रूम 8x10 का है, 10x10 का है, तो 10 मिनट के अंदर अच्छे से यह गर्म कर देगा और ऑटोमेटिक यह ऑफ भी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यह रूम हीटर है। यह रूम हीटर आपको मार्केट के अंदर 1900-2000 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाएगा।